कार्यालय के बाहर आमरण अनशन जारी है। लगातार पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बीजेपी के एजेंट है और दलाल है। जब हमने सारी तस्वीरें साझा की और बताया कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, उसके बाद धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा एनएसयूआई के द्वारा किया गया हमें हटाने के लिए, लेकिन हमने यहां से हटने के लिए साफ मना कर दिया। हमने कहा कि हमारी आज से लाशें जाएगी, जब तक प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे। उसके बाद छोटी छोटी हरकतें करने की कोशिश की गई, जहां टॉयलेट के लिए युवा बेरोजगार जा रहे थे वहां भगवान की मूर्ति और प्रियंका गांधी जी की तस्वीर रखी गई, लेकिन वो भी पर्दाफाश हो गया। पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी, वहां से उन्होंने हटा दिया है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली क्यों नहीं गए, क्यों? जबकि उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम 23 जून से लेकर 15 जुलाई तक बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर हम वहां मौजूद थे, वहां धरना प्रदर्शन किया और वहां पीसीसी एआईसीसी में जाकर पवन खेड़ा जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी सहित कई नेताओं से मुलाकात की और एक बार अजय माकन जी से मुलाकात हुई। सबने 800 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असमर्थता जताई और कहा कि इसका निस्तारण केवल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या फिर अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। हमने राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हार थक कर हम जुलाई में उत्तर प्रदेश पहुंचे, उसके बाद 18 जुलाई को प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई लेकिन समस्याओं का निस्तारण आज भी नहीं हुआ। तो हम परेशान होकर जब जयपुर में धरना दिया, जब मांगे नहीं मानी गई, हम वापस उत्तर प्रदेश आए और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे दिल्ली क्यों नहीं गए, तो उनके लिए जवाब यही है, हम दिल्ली गए, दिल्ली हमें कुछ नहीं मिला, हमें उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी से मिलना था और हमारी मांगों का निस्तारण करवाना था, इसलिए वापस आए और जब तक मुलाकात नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी मौत हो जाए, चाहे हमारी यहाँ से राजस्थान लाशें जाएंगी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, चाहे षड्यंत्र करे, चाहे वो कुछ भी करे। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर भी लगातार हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं प्रियंका गांधी जी को गुमराह करके हमें मिलवाने नहीं दिया जा रहा, जबकि सच यही है, हम प्रियंका गांधी से मिलकर हमारी समस्याओं का निस्तारण करवाना चाहते हैं। हम राजनीति करने नहीं आए, हमारी मांगों को करवाने आए हैं पूरी, और इसके अलावा पीड़ा रखने आए, लेकिन लगातार यहां के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा है और सही रिपोर्ट उन तक नहीं दी जा रही है। लेकिन हमें आशा है कि जल्दी प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी और हम मांगों का निस्तारण होगा। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।